हेलो एवरीवन, आपका श्याम ओम ब्लॉग में वेलकम है। आज मैं अपना 9th मंथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, अब ब्लैंकेट की तय करूँगी। सर्दियों में ये काम और बढ़ जाता है, ब्लैंकेट रजाई की तय करना। गर्मियों में अपना उठो, बिस्तर पे को सही करो और चल दो। सर्दियों में कपड़े तो ज़्यादा हो ही जाते हैं, चाहे वो पहनने के हों, ओढ़ने के हों, रखने के हों। अब मैं बाहर जाती हूँ, आयरा ड्राइंग रूम में राइंस देख रही है अपनी। मेरा क्यूटी आज ये जल्दी उठ गई है, जल्दी सो जाएगी। पर मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ। गुनगुना पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसे कुछ खिला देती हूँ, बनाना थोड़ा बहुत खाएगी, सो जाएगी, उठ के देखूँगी फिर खाएगी नहीं खाएगी। बहुत नखरे होते हैं बच्चों के खाने में। थोड़ा सा खा लिया इसने बनाना। अब मैं वॉक कर लेती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बाहर जाके पार्क वगैरह में वॉक करना चाहिए, पर इस टाइम मैं घर में ही कर लेती हूँ गुनगुना पानी पी के। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ थोड़ी, उसकी वीडियो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। पर फिलहाल मैं आधा घंटा वॉक करूँगी, क्योंकि आयरा जल्दी उठ गई थी तो वो जल्दी सो जाएगी, इसे सुलाना भी है। शाम में मैं इसके पापा के साथ थोड़ी देर बाहर चली जाती हूँ, फिर रात को खाना खाने के बाद आधा घंटा टहलती हूँ। तो इस तरीके से मेरी 1.5-2 घंटे दिन में वॉक हो जाती है प्रॉपरली। बस आयरा बेचैन हो गई है सोने के लिए, सोएगी वो। पर पहले मैं दूध बॉयल होने रख देती हूँ। दूध बॉयल होने रख दिया, ये मैं रात को बादाम भिगो देती हूँ। अब मैं वॉक कर लिए, अब मैं इन्हें खाऊंगी, इन्हें एक साथ निपटा दूँगी ब्रेकफास्ट के बर्तन के साथ ही। आयरा को सुला देती हूँ पहले, तो आयरा भी सो गई है। आज जल्दी सो गई है तो मेरे काम जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, कर लेती हूँ, एग पराठा चाय। अब ब्रेकफास्ट के बर्तन धोने हैं, इसकी फीडर धोनी है। वैसे आपके साथ सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, तो आपको ज़रूर डिलीवरी से एक दिन पहले तक भी सब काम करते रहना चाहिए, अगर आपके साथ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो। इससे आप में ही आपके मसल्स सॉफ्ट होते हैं। और ठंड, वैसे ठंड में तो बैठे रहो तो और ज़्यादा ठंड लगती है, काम करते रहो तो फिर भी सही है। और वैसे भी मैं तो अकेली हूँ करने वाली, मुझे ही करना है। अच्छा, ये बड़ी दिक्कत है अकेले लोगों के साथ, जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं सिंगल फैमिली, उनसे कहा जाता है अरे तुम दो लोग हो तुम्हें क्या काम होंगे। आयरा आ गई, तो दोबारा सुला कर आई हूँ मैं। अब इसकी फीडर के बॉयल होने रख दिए मैंने निप्पल। फीडर क्लीन करना ढंग से बहुत ज़रूरी है। दूध भी बॉयल हो गया, मेरे बर्तन भी बस धुलने वाले हैं। हाँ, तुम ये कह रही थी जो छोटी फैमिली होती है उनसे कहा जाता है कि दो लोग हो क्या काम होगा, एक बच्चा है क्या काम होगा। वो ये नहीं सोचते, करना भी तो नहीं है सब कुछ, ये तो नहीं तबीयत ख़राब है तो कोई और कर देगा। ये तो मुझे अक्सर सुनने में मिलता ही रहता है। बाकी आप लोग बताना जो मेरी तरह है, उन्हें भी ये सुनने को मिलता है या नहीं। अब मेरे बर्तन तो क्लीन हो चुके हैं, सिंक को अच्छे से क्लीन करके स्क्रब धो के रख देती हूँ मैं। जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार सिंक में ज़रूर स्क्रब लगाती हूँ। सब हमारे ऊपर भी अलमारी वगैरह दीमक से ख़राब हो चुकी हैं। चलिए, मेरे बर्तन धुल गए, किचन भी क्लीन हो रही है, दूध भी बॉयल हो गया है। अब घर का बाकी का काम निपटाया जाए। तब झाड़ू लगाऊंगी मैं।
वैसे हमारा 2 BHK का घर है, इसमें एक छोटा स्टोर रूम भी है, तो आप 3 कह सकते हैं, 2 है ना, हाफ भी कह सकते हैं। तो मैं सब में डेली झाड़ू लगाती हूँ, पूरे घर में, ऐसा नहीं किसी रूम में छोड़ दिया किसी में लगा ली, मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। और इस टाइम तो झाड़ू और पोछा करना बहुत अच्छा ही है नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी के लिए। बाकी ये है कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों को इग्नोर करें और बहुत ही केयरफुली पोछा और झाड़ू करें, क्योंकि इस टाइम हमारा ही पेट और हमारी बॉडी इतनी हैवी हो जाती है कि बैलेंस बिगड़ने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए बहुत केयरफुली इन चीज़ों को करना चाहिए। जितनी ये बेनिफिट देती है, अगर हमारा बैलेंस बिगड़ गया तो उतना ही हमें नुकसान देगी। तो इस वजह से हमें अच्छे से करना चाहिए। और ये पोछा लगाना तो एक तरीके से डक वॉक हो जाती है, जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो एक्सरसाइज बताते हैं उसमें भी होता है। अब डस्टिंग करूँगी मैं, आयरा को उठ गई थी, दोबारा सुलाया, बस वो उठ जाएगी थोड़ी बहुत देर बाद भी। आज वो जल्दी सो गई है तो इसलिए मेरे काम जल्दी जल्दी निपट रहे हैं, वरना मुझे यही काम करने में 3-4 भी बज जाते हैं, मुझे ठंड में भी नहाने में 3 बज जाते हैं। वो कहती मम्मा पास में बैठो, मम्मा ये करके दो, मम्मा मतलब ने पास बिठा के रखती है। अभी कोई है तो है नहीं, अब उसका भाई या बहन आ जाएगा तो वो भी अपना थोड़ा खेलने कूदने लगेगी कुछ टाइम बाद उसके साथ। अब तो बिचारिया तो राइम्स देख लेती है, पापा आते तो उनके साथ खेल लेती है, मैं ऐसे खेल भी नहीं पाती, उसे जंपिंग वगैरह कूदक आदि पसंद है। तो सोफ़ा वगैरह सब सेट हो चुका है मेरा, जो आयरा उठते ख़राब कर देगी। वॉश बेसिन क्लीन करूँगी अब मैं, वॉश बेसिन 2-4 बार भी हाथ धो लो तो उसमें इतना गंदा हो जाता है। मेरे तो दिन में 2 से 3 बार इसे मैं क्लीन कर ही लेती हूँ। दिन के खाने के लिए मैंने गाजर काट के रख दी है। आयरा सो रही है, बस ये उठेगी तो इसे नहला धुला के तैयार करूँगी, कुछ खिलाऊँगी जो कि बहुत टाइम नखरे लगा के खाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में बने रहिए। टेक केयर, बाय, खुदा हाफिज़।